सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ डेली यूज़ के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आप अपने व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान यूज कर सकते हैं। ये ऐसे कॉमन सेंटेंसेस है जो आप अक्सर अपने व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान यूज करते ही होंगे। 70+ सेंटेंसेस है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और साथ के साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इन सेंटेंसेस का यूज आप व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान कब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन सभी सेंटेंसेस को समझते हैं। हे व्हाट्सएप, इसका मतलब होता है क्या चल रहा है। हे व्हाट्सएप, इसका मतलब होता है क्या चल रहा है। जब आप किसी को पहला मैसेज करते हैं तो जैसे हे हाय करते हैं, उस टाइम आप कह सकते हैं हे व्हाट्सएप, यानी क्या चल रहा है, ऐसे आप कह सकते हैं। व्हाट्सएप रिप्लाई, क्या जवाब है। व्हाट्सएप रिप्लाई, क्या जवाब है। सो व्हाट्सएप, तो क्या चल रहा है। सो व्हाट्सएप, तो क्या चल रहा है। किसी को आप पूछते हैं ना क्या चल रहा है, तो आप कह सकते हैं सो व्हाट्सएप। व्हाट्सएप डूड, दोस्त क्या हो रहा है। व्हाट्सएप डूड, दोस्त क्या हो रहा है, यानी आप अपने दोस्तों को क्या देना। व्हाट्सएप डूड, यानी डूड का मतलब होता है दोस्त। व्हाट्सएप बड़ी, क्या हाल है दोस्त। व्हाट्सएप बड़ी, क्या हाल है दोस्त। सेंटेंसेस वही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। हे गाइस व्हाट्सएप, नमस्ते दोस्त, क्या चल रहा है। हाय व्हाट्सएप, नमस्ते, क्या हुआ। ये सारे स्टार्टिंग वर्ड है। व्हाट्सएप गाइस, क्या हो रहा है। व्हाट्सएप गाइस, क्या हो रहा है। एंड टेल मी व्हाट्सएप, और सुनाओ क्या हो रहा है। एंड टेल मी व्हाट्सएप, और सुनाओ क्या हो रहा है। सो हाउ इज इट गोइंग, तो और सब कैसा चल रहा है। सो हाउ इज इट गोइंग, तो और सब कैसा चल रहा है। इन सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं चैटिंग के दौरान। नॉट मच, कुछ खास नहीं। नॉट मच, कुछ खास नहीं। कूल, मजे में। आप रिप्लाई करते हैं जब कहते हैं हे गाइस व्हाट्सएप डूड, तो आप कहते हैं कूल, यानी मजे में, क्या चल रहा है, तो मजे में, या हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं कूल, मजे में। नथिंग, कुछ भी तो नहीं। नथिंग यानी कुछ भी तो नहीं, जैसे कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं नथिंग, कुछ भी तो नहीं, या कुछ नहीं रिप्लाई में कह सकते हैं आप, मतलब। ओह नॉट मच, व्हाट्सएप विद यू, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। ओह नॉट मच, व्हाट्सएप विद यू, कुछ खास नहीं, तुम बताओ। नथिंग, जस्ट टायर्ड, कुछ नहीं, बस थक गया हूं। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। इट्स टू कोल्ड, बहुत ठंड है, या बहुत ठंडा है। ठंड है, जैसे मौसम की बात करते हैं ना कि इट्स टू कोल्ड, यानी बहुत ठंड है, कोई वस्तु है तो बहुत ठंडा है। इट्स टू हॉट, बहुत गर्म है। इट्स टू हॉट, बहुत गर्म है। जस्ट वॉच्ड अ मूवी, बस एक फिल्म देखी। बस एक फिल्म देखी, जस्ट वॉच्ड अ मूवी। सर्चिंग फॉर अ जॉब, नौकरी की तलाश, या नौकरी ढूंढ रहा हूं, ऐसे भी कह सकते हैं सर्चिंग फॉर अ जॉब। टाइम पास, समय गुजारना, यानी क्या चल रहा है, तो टाइम पास, समय काट रहे हैं, समय गुजार रहे हैं। नथिंग ग्रेट, कुछ भी नहीं। नथिंग ग्रेट, कुछ भी नहीं। डोंट मेक फन, मजाक मत करो। मान लो आप जब सीरियस मूड में किसी से कोई चैट कर रहे हो, और उस टाइम में आप ऐसे कह सकते डोंट मेक फन, मजाक मत करो, जब हंसने वाले इमोजीज आते हैं। लीव इट, छोड़ो यार। लीव इट, छोड़ो यार, जैसे हम कहते हैं ना किसी टॉपिक से, हम कहते हैं अरे यार छोड़ो इसे, तो आप कह सकते लीव इट,
या लीव दिस टॉपिक। लेट्स सी, देखते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। डोंट से टू मी, मुझे मत कहो। डोंट से टू मी, मुझे मत कहो। हाउ इज एवरीथिंग इन द हाउस, घर में सब कैसे हैं। हाउ इज एवरीथिंग इन द हाउस, घर में सब कैसे हैं। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब ठीक हो जाएगा। यानी सांत्वना देते हुए जब किसी कहते कि चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यानी सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई एम देयर, मैं हूं ना। आई एम देयर, मैं हूं ना। यानी किसी को सपोर्ट के लिए हम कहते हैं मैं हूं ना, तुम चिंता करो तो आई एम देयर, व्हाई आर यू वरिंग। से व्हाट हैपेंड, कहो क्या हुआ। से व्हाट हैपेंड, कहो क्या हुआ। एवरीथिंग इज फाइन, सब बढ़िया। एवरीथिंग इज फाइन, सब बढ़िया। हाउ आर यू, कैसे हो। हाउ आर यू, कैसे हो, या आप कैसे हो, तुम कैसे हो, तो हाउ आर यू। हैव यू ईटन, खाना पीना हो गया, या क्या तुमने खा लिया। हैव यू ईटन। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, यानी अभी जब मैसेज करते हैं कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ये। आई एम वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। अब जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे टीवी की जगह वो दिखा देंगे। आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, यानी मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, या मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आई एम यूजिंग मोबाइल। इस तरह की जो बातें हम रिप्लाई में कह सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बना सकते हैं। रियली, सच में। रियली यानी सच में। फाइन, अच्छा। फाइन यानी अच्छा। ओके, ठीक है। ओके यानी ठीक है। थैंक्स यानी धन्यवाद। थैंक्स यानी धन्यवाद। वेलकम, आपका स्वागत है। वेलकम, आपका स्वागत है। नो नीड, जरूरत नहीं है। नो नीड, जरूरत नहीं है। नो नीडेड, जरूरत नहीं था। नो नीडेड, जरूरत नहीं था। आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है। ओ माई डियर, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ माई डियर, ऐसे कह सकते हैं आप। ओ यानी ओ, एक्सप्रेशन है ये ओ। ओह यस, ओ हाँ। ओह यस यानी ओ हाँ, खुशी का एक्सप्रेस करने के लिए। ओह गुड, ओह अच्छा। ओह गुड यानी ओह अच्छा, ओह अच्छा, ऐसी बात है। ओह ब्रदर, ओ भाई, ये आप कहते हैं ओ भाई साहब, यानी ओह ब्रदर, ओ भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई मुझे मारो, है ना। आप कहते हैं ओह ब्रदर या ओह ब्रो भी कह सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में। ओह मैन, जैसे ओह यार, परेशान हो गया मैं, या ओह मैन, या किसी एक्सप्रेशन में जब आप आश्चर्यचकित हो कि जब आपको पता ना हो, जैसे जैसे आपने किसी जैसे आपसे किसी ने कहा कि उसने ऐसा काम किया है जिससे आपको एक्सपेक्ट नहीं है कि उसने ऐसा काम किया होगा, तो आप क्या कहते हैं। ओह यार सच में, मुझे तो पता ही नहीं था, तो आप ऐसे कहते हैं ओह मैन। ओके सर, अच्छा जी। ओके सर यानी अच्छा जी, या अच्छा जी भी कह सकते हैं इसमें। इट्स गुड, अच्छी बात है। इट्स गुड, अच्छी बात है। सो क्यूट, अति सुंदर। सो क्यूट, अति सुंदर। सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ,
तो आप अभी क्या कर रहे हैं? So, what are you doing now? तो आप अभी क्या कर रहे हैं? Let's go, चलते हैं. Let's go, चलते हैं. जैसे आप दोनों प्लानिंग कर रहे होंगे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, या कहीं घूमने चलते हैं, या बाहर चलते हैं, या कहीं पार्क चलते हैं. लेट्स गो, चलते हैं. तो ऐसे आप रेडी में रिप्लाई करते हैं, मैं भी, मी टू. मैं भी यानी मी टू. सेम टू यू, आपको भी. जैसे आपसे किसी ने कहा आपका धन्यवाद, तो आप कह सकते हैं सेम टू यू. या किसी ने विश किया हैप्पी बर्थडे, सॉरी बर्थडे नहीं, हैप्पी न्यू ईयर, या कोई फेस्टिवल है तो आप कह सकते हैं सेम टू यू यानी आपको भी. सेम टू यू डियर, आपको भी प्रिय. सेम वर्ड है, बस एक डियर ऐड हो गया यानी प्रिय ऐड हो गया. सेम हेयर, मेरा भी यही है. जैसे किसी ने अपना हाल चाल बताया कि मेरा ऐसा ऐसा ये चल रहा है, तो आप कह सकते हैं सेम हेयर यानी मेरा भी यही चल रहा है. सेम वही, सेम वही. डोंट नो, पता नहीं. डोंट नो, पता नहीं. जैसे आपसे किसी ने पूछा किसी बारे में, तो आप कहते हैं डोंट नो, पता नहीं किसने क्या किया होगा नहीं किया होगा. डू यू हैव, क्या आपके पास है. डू यू हैव, क्या आपके पास है. लेट इट बी मैन, रहने दो यार. लेट इट बी मैन यानी रहने दो यार. लेट इट बी देन, रहने दो फिर. लेट इट बी देन यानी रहने दो फिर. लीव इट यानी रहने दो. लीव इट यानी रहने दो. आई कांट हैंडल, मेरे बस का नहीं है. आई कांट हैंडल, मेरे बस का नहीं है. वट कैन आई से नाउ, अब मैं क्या बताऊं. वट कैन आई से नाउ, अब मैं क्या बताऊं. यू नो एवरीथिंग, तुम्हें तो सब पता ही है. यू नो एवरीथिंग, तुम्हें तो सब पता ही है. वट इज हिडन फ्रॉम यू, तुमसे क्या ही छुपा है. वट इज हिडन फ्रॉम यू, तुमसे क्या ही छुपा है. आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, मैंने तो सब बता ही दिया है. आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, मैंने तो तुम्हें, या मैंने तो सब बता ही दिया है, या मैंने तो तुम्हें सब बता ही दिया है, ऐसे भी आप कह सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये थी आज के हमारे सेंटेंसेस, कुछ गिने चुने सेंटेंसेस थे. कैसे लगे सेंटेंसेस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और इसी तरह के और भी डेली यूज सेंटेंसेस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के और भी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.